सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज मैं अपनी फुल डे फीटिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। मतलब अपना दिन भर मैं जो भी अपनी मील्स लेता हूँ आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। अब मैं पहली मील बनाने वाला हूँ। आज बहुत लेट हो गया उठने में। मैं वैसे अपना एक रूटीन वीडियो भी बनाऊंगा कभी, लेकिन आज अपना फुल डे फीटिंग है तो मैं सारी मील्स दिखाऊंगा आपको। अभी प्रॉपरली मेरी गेनिंग चल रही है। मैं ज़्यादा गेन नहीं कर रहा, लेकिन लीन गेन कर रहा हूँ, जिससे कि यार मेरे को कैलिस्थेनिक्स करना होता है ना, तो उसमें भी मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना है। आओ अभी आपको मील्स दिखाओ। तो गाइस, पहली मील जो है वो है ओटमील। मैं ओटमील लेने वाला हूँ, मतलब जो नॉर्मल ओटमील बनती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपने इसमें क्या क्या ऐड ऑन करता हूँ। और मैं सुबह सुबह ये कार्ब्स के लिए लेता हूँ कि भाई थोड़ी सी एनर्जी रहे। फिर अभी 12 बजे वाली जो मील होगी उसके अंदर प्रोटीन होगा। दूध चढ़ रहा था यार, क्या करूँ, दूध चढ़ाना पड़ता है, बहुत सारे काम है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। और पहले ये चाय वगैरह बना लूँ, उसके बाद चाय और ओटमील लेंगे। तो अब मैं बना रहा हूँ अपनी ओटमील। फाइनली मेरी चाय तो बन गई, चाय पहले बना ली मैंने, अब ओटमील बनाते हैं। ये देखो, ये है 2x3 का कप। जैसे होता है ना, एक कप का 2/3 पार्ट जो होता है उतना इसमें जाता है। इतना तो आप भी समझते होंगे यार, क्या मैं बता रहा हूँ। कितने मैं ओट्स ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे ख्याल से 30-35 ग्राम होंगे। अभी मेरे पास मेजरिंग स्केल नहीं है, वो मैं लाऊंगा थोड़े टाइम में। सब्सक्राइब तो तुम करते नहीं हो, कैसे लाऊंगा बताओ। अब बनाते हैं ओट्स। ये दूध है, इसके अंदर 250 ml पूरा आ जाता है इस ग्लास में, तो 250 ml दूध ले रहा हूँ मैं। और जब दूध पूरा अच्छे से उबल जाएगा उसके बाद मैं डाल दूंगा ओट्स। अभी क्या देखते रहोगे, ओट्स बन जाए उसके बाद अपन मिलते हैं। चलो जब तक चाय तो पी ही लेते हैं। अच्छी बनी है यार, मैंने अच्छी बना दी। बाकी अगली मील में जो है वो 12 बजे की मील होगी, और उसके अंदर मैं अभी बता दूंगी ना। रुक जाओ, अभी सब बता दो। दिखाऊँ तुम क्या आलूगा, उगरे जल चुके हैं यार, अंदर थोड़े से रह गए। ये ही जाता है कभी कभी तुम्हारे। अब इस ओट्स में ज़्यादा डालने के लिए कुछ है तो नहीं मेरे पास, इसलिए मैं बॉल में डालूंगा थोड़ा सा पहले। 1 tablespoon ले रहा हूँ यार, इतना तो नहीं, हनी है तो सही पर पता नहीं यार निकलते ही नहीं। ओए आज ही निकल गया यार। सो गाइस, ये जाना, ये इंसान, ये है हमारा वीडियोग्राफर, ये मेरी सारी वीडियो शूट करता है। अभी जो अगली वीडियो आने वाली है बैक वर्कआउट की, वो इसी ने शूट करी है। तो इसका भी चैनल है क्रेजी डिमोन, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, सब्सक्राइब कर देना। एक बनाना डाल रहा हूँ इसके अंदर, जिससे कि कार्ब्स और ज्यादा हो जाएंगे। ये देखो, ये बन चुकी है ओटमील, कुछ ज्यादा ही बन गई आज पता नहीं कैसे, पर इतनी ठीक है ऐसा। तो अब इसके बाद 12 बजे मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, अभी मैं बना रहा हूँ अपनी सेकंड मील, और सेकंड मील में होने वाला है सोया मंचूरियन और उसके बाद चावल। ये दोनों चीज़ें होगी, चावल से कार्ब्स मिल जाएंगे और सोया से अपने को अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ चावल। चावल मैं दोनों टाइम के लिए बना रहा हूँ, अभी भी खाना है और मेरे को रात को भी खाना है, तो दोनों बार कई बार मैं बना दूंगा। और सोया चंकी जो रेसिपी है वो अभी कैसे बताऊंगा, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, उसके अंदर आप चेकआउट कर लेना सोया मंचूरियन की रेसिपी। तो पहले चावल मेजर करते हैं। ये देखो, ये चावल के डब्बे के साथ आया था और इसके अंदर यहाँ तक भरते हैं तो 200 grams अगर आपको दिख रहा हो तो मैं अराउंड 250 grams तक लूँगा, मतलब 250 या 300 grams तक लूँगा। मैं चेक करूँगा कि कितना आ रहा है, क्योंकि मेरा आइडिया इतना ही रहता है कि इतना सा लेना है। बिकॉज मैंने एक बार यश शर्मा की वीडियो में देखा था, अगर आप 100 ग्राम चावल लेते हो तो कुके 300 ग्राम हो जाते हैं कुको के, तो 900 grams काफ़ी होंगे 450-450 दो बार में। तो अच्छी यार, गिर गया। चलो ठीक है, ये 200 ग्राम। और ये देखो 100 ग्राम। यार ये मेरे को ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं 50 ग्राम कम कर देता हूँ यार। 50 ग्राम वाली मेजर तो इतना कम कर देता हूँ मैं, एक बार आइडिया लग जाएगा। मैंने ये वाले पहली बार बना रहा हूँ मैं।
मैंने पानी को छड़ा दिया था बॉयल होने, तो वो थोड़ी देर में बॉयल हो जाएगा, उसके बाद में चावल डाल दूंगा। पहले पानी को बॉयल कर लिया करो, उसके बाद चावल डाला करो, ज़्यादा अच्छे से बनता है। ये बात भी ध्यान रखना। सो गाइस ये मील रेडी है, 450 ग्राम्स अराउंड राइस है इसके अंदर, और उसके बाद 50-60 ग्राम सोया है। तो हाई प्रोटीन और हाई कार्ब्स इसके अंदर है ये वाली मील में, क्योंकि अब दिन भर में एनर्जी चाहिए। अभी 12 बजे तक एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है थोड़ी सी, तो इसके लिए खा रहा हूँ। उसके बाद आपको मिलूंगा नेक्स्ट मील में। सो गाइज अब है मील नंबर 3 और अभी बज रहे हैं 4। तो मुझे वर्कआउट करने जाना होता है 5 बजे यूजुअली, तो मैं थोड़ा 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले ही मील ले लेता हूँ प्री वर्कआउट, जिससे कि वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए, फिर बाद में अच्छी एनर्जी मिले। तो इस मील में आपको पता ही है क्या होना चाहिए, कार्ब्स होंगे। तो ये रहे 2 आलू बॉईल कर लिए मैंने, और 4 ब्रेड है, तो 2 सैंडविच बनाऊंगा, और वही होगी मेरी प्री वर्कआउट मील। तो मैं बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइज मील रेडी है, और इस मील में मैंने आपको जैसे बताया था, मैं 2 सैंडविच ले रहा हूँ, और इसमें मैंने आलू मैश करके उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिर्ची और हरी चटनी जो होती है घर में मिल जाती है वो डाल के फिर बनाया, जिससे कि थोड़ा टेस्टी लगे। और साथ में मैंने अंगूर लिए हैं थोड़े से, अंगूर इसलिए लिए जिससे कि फाइबर्स ऐड ऑन हो जाएँ, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर्स भी ज़रूरी होते हैं। सो गाइस अब वर्कआउट का टाइम हो चुका है, अब मैं ले रहा हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी में मैं ये डाल रहा हूँ सेंधा नमक यानी हिमालयन सॉल्ट, जिससे कि मेरा वर्कआउट अच्छा होगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, और वीन्स पॉप आउट होती है उससे, तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये मैंने हनी डाल दिया, और ये पानी डाल दिया। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने, और जो वर्कआउट होगा वो मैं गार्डन में कर रहा हूँ, कोई जिम वगैरह नहीं जा रहा, तो मज़ा आएगा, मैं उसमें दिखाऊंगा। वैसे तो अंधेरा होने वाला है, 5:30 बज चुके हैं, मैं लेट हो गया थोड़ा, लेकिन दिखाता हूँ मैं आपको वर्कआउट। और गाइस BCAA तो है नहीं, तो साथ में मैं लेके जा रहा हूँ ग्लूकॉन डी बॉटल में, जिससे कि एनर्जी बनी रहे इंट्रा वर्कआउट में। इस वर्कआउट ओवर हो चुका है, ये देखो पूरा अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, तो ये जहाँ पे मैं करता हूँ वर्कआउट वहाँ पे तो पूरा अंधेरा है। और वर्कआउट बहुत शानदार हुआ, चेस्ट और ट्राइसेप्स था, शोल्डर भी करना था, लेकिन कल मुझे जिम जाना है, तो इसलिए मैं जिम में करूँगा शोल्डर कल, और मिलता हूँ आपसे घर पर। सो गाइस मैं आ गया हूँ, वर्कआउट तो ओवर हो चुका है, ये पीछे के सामान यार थोड़ा सा इग्नोर करना, तो बॉडी में पंप तो ज़्यादा यानी मतलब, लेकिन वर्कआउट बहुत प्यारा हुआ, सही बता रहा हूँ, चेस्ट तो इससे पंप हो के आ रही थी ना। बस अब आपको पोस्ट वर्कआउट मील दिखाऊंगा, देख लो शानदार ट्राइसेप्स ऐसे। सो गाइस अब है अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, तो उसमें पहले मैं प्रोटीन शेक बना रहा हूँ, वे प्रोटीन नहीं डाल रहा, देख लेना क्या क्या डाल रहा हूँ, और उसके बाद फिर पनीर में दिखाऊंगा पनीर कैसे खाना है, वो मतलब वैसे और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये 250 ml दूध, इस बार मैंने ये पूरा भर लिया है 2/3 वाला कप जो सुबह लिया था।
पांच छह डेट्स हैं जिनकी मैंने गुठलियां निकाल दी और पीनट्स हैं, अभी पीनट बटर तो है नहीं तो पीनट से काम चला रहा हूँ। एक केला डाल रहा हूँ, एक ही डाल रहा हूँ बिकॉज फिर रात को थोड़ा सा गैस बन जाती है, प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए बोल रहा हूँ आपको। और थोड़ी सी हनी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया इसलिए मैं इसके अंदर इतना पानी डाल रहा हूँ, मैं 200 ml लूँगा। तो ये शेक तो हो चुका है रेडी, अब मैं पनीर का दिखाता हूँ आपको, पनीर में क्या डालना है जिससे और टेस्टी लगेगा। पहले कर लेते हैं पनीर को काट। वैसे पनीर तो काट लिया मैंने और ये एक सीक्रेट मसाला है, बता दो तुम्हें कौन सा होता है। तो ये है पानीपुरी वाला जो मसाला आता है, जलजीरा मसाला आता है बेसिकली, वो डाल दो इसके ऊपर, क्या स्वाद आता है इसका। तो फिर आज की मील होगी, पोस्ट वर्कआउट मील होगी ये, प्रोटीन शेक और पनीर, उसके बाद फिर मिलता हूँ मैं आपसे डिनर में। तो यार थोड़ा ज़्यादा डाल लिया पर ठीक है, खा लेंगे, टेस्टी है। अब मैं आपसे डिनर में मिलता हूँ, डिनर में मैं अभी बता दूंगा कि सारा। सो गाइस ये है मेरा डिनर यानी कि लास्ट मील ऑफ द डे। इसमें मैं ले रहा हूँ 450 ग्राम्स ऑफ राइस और 30-40 ग्राम्स में सोया है। मैंने इतना काउंट नहीं करा, इतना ही लेता हूँ रेगुलर। तो पता नहीं गाइस ऑडियो में क्या हुआ, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ इस वीडियो में, तो इसलिए फिर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि मैं और कौन से नोट पर वीडियो बनाऊँ। काफ़ी मेहनत करी थी इस वाली वीडियो के लिए, मतलब पूरे दिन भर से मैं मील्स बनाना था, मील तैयार कर रहा था और सब कर रहा था, तो काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन फाइनली हो गई। तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो गाइस ओके, थैंक यू।